हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आज मैं आपको एक प्लेन चंदेरी के सूट में एक गर्लिश लुक, स्टाइलिश लुक बनाना बताऊंगी। तो देखिए, गला मेरे पास बना हुआ है, बैक साइड का भी बना है और साइड में ये एक लेस लगी है टिश्यू वाली जो आजकल चल रही है ना, तो आपको मैं वही सब बताती हूँ जो आजकल ट्रेंड में चल रहा है। तो इसको पहले देखिए, स्लीव्स की तो हम नहीं खोलेंगे, बाकी हम पूरा सूट खोल लेंगे, लेस को भी खोलेंगे और जो इसका शोल्डर वगैरह जुड़ा है सब खोल लेंगे। साइज़ मैंने सामने मेंशन कर दिया है, आप इस पर अपना साइज़ लगा लेना। तो देखिए, ये इसके बॉटम के लिए कपड़ा है, तो इसका बॉटम मैं बना लूँगी और जो इसके अंदर से कपड़ा बचेगा ना उसको हम इसमें यूज़ करेंगे। तो ये मैंने पूरा सूट खोल लिया है, ये देखिए। तो गले में जो पाइपिंग लगी है उसको नहीं खोलना है, बाकी सबको खोल लेना है, क्योंकि अगर उसमें पाइपिंग लगी है ना वो वैसे का वैसे बन जाएगा। अब मैंने पैंट इसके अंदर से बना लिया है, अब मैं क्या करूँगी, ये कपड़ा मेरे पास बचा है, अब मैं इसमें से चोली कट करूँगी, ठीक है ना। तो चोली सेम कलर की हो जाएगी ना, तो लाइनिंग लगाएंगे तो थोड़ा पतला हो जाएगा, तो ये कपड़ा ज़्यादा बेटर रहता है। तो देखिए, हमने 11 इंच विड्थ लेके इतने कपड़े को हम पहले कट कर लेंगे। तो 11 इंच लिया है मैंने, विद मार्जिन लिया है, जब हम चोली बनाएंगे तो 2 इंच का मार्जिन लेके चला है, बाद में कट कर देंगे अगर एक्स्ट्रा लगा तो। तो चलिए, ये मैंने इसका चोली के लिए कट कर लिया है कपड़ा। अब सबसे पहले मैं नीचे जो सिलाई का है ना वो पहले छोड़ दूँगी, और 13 इंच की जो चोली की लेंथ है ना कंप्लीट है। अब शोल्डर में जो जाएगा वहाँ के लिए हमने 1 इंच बढ़ा लिया, तो यानी 14 ले लिया, 14 लेके 14 ही इसका शोल्डर है, तो 7 हम यहाँ लेंगे और 7 ही हम यहाँ लेंगे, ठीक है। अब बस साइज़ हमारे पास इसकी है 32 बस साइज़ है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने 9 ले लिया है, और जो वेस्ट साइज़ है उसका मैंने अभी मेज़रमेंट नहीं लगाया है। तो देखिए, 3.5 लेके और 9 इंच पे मैंने प्लेट का भी मार्किंग कर लिया है, काफ़ी सारी मार्किंग जितनी भी हो सकती थी वो मैंने पहले ही कर ली है। अब मैं बस इसको कटिंग कर लूँगी, ये देखिए। अब मैंने जब कटिंग करना है ना तो मैं मार्जिन यहाँ रखूँगी, जो लूजिंग होती है वो मार्जिन नहीं होता, लूजिंग जो होती है कपड़ों के अंदर डाली जाती है और मार्जिन होता है कपड़ों के बाहर रहता है, ठीक है। बहुत मेरे को मैसेज आते हैं कि मैडम लूजिंग क्या है, मार्जिन क्या है, तो अब आपको मैंने क्लियर कर दिया है। तो ये देखिए, ये इसमें से गले में से मैंने पाइपिंग नहीं हटाई है, अब मैं यहाँ पर जो मैंने चोली कट किया है ना इस चोली को ही रख के कट कर लूँगी। ये देखिए, बिल्कुल जो हमारी नेक की विड्थ है 3.5 उस पर ये बिल्कुल सही सेट बैठ रही है, तो हम यहाँ से चोली को कट कर लेते हैं। ये देखिए, बिल्कुल बराबर काटेंगे, कुछ बड़ा छोटा नहीं काटेंगे, क्योंकि मार्जिन हम रख चुके हैं। तो जैसे अगर आप इसकी पाइपिंग हटाते हैं ना तो गला बनाने में दिक्कत होती है, और अगर आप ऐसे ही जोड़ देंगे तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, बस तुरपाई का काम रह जाएगा। तो ये देखिए, ठीक है, चोली हमारी कट गई है। अभी मैंने फ्रंट की ही चोली काटी है, बैक की नहीं काटी, एक साथ बैक की नहीं काटनी है, तो बैक का अलग है थोड़ा सा, वो दिखाऊंगी अभी आगे चलते हुए। अब देखिए, हमारे पास जो चोली की लेंथ है ना, पहले हमने उसको छोड़ा और 13 छोड़ दिया, और लेंथ हमारी कंप्लीट 43 है, ठीक है। वो थोड़ा सा मार्जिन के लिए नीचे मोड़ने के लिए बच रहा है, तो ये हमने 30 है, और वैसे ये 33 का कपड़ा है, 3 इंच का फोल्डिंग आ जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास 26 इसकी वेस्ट साइज़ है, 2 इंच का लूजिंग लेंगे, 28 हो जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे 7 हो जाएगा, तो 7 पे हमने निशान लगाया और 5 इंच इसके अंदर बड़ा आ रहा है, तो 1 इंच ये देखिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, वो मैं मार्जिन के लिए रख दूँगी, तो लगभग मेरे को 5 इंच की जो प्लेट्स का निशान मिल जाएगा। 3.5 पे पहले हम एक निशान लगा लेंगे। अब देखिए, मैंने जो 3.5 पे निशान लगाया था, यानी बीच का हिस्सा 7 हो गया, 7 के सेंटर में मैंने एक निशान लगाया। अब इस सेंटर को मैं लेते हुए प्लेट्स डालूँगी, ये देखिए, इस सेंटर से ये ऐसे करके लगभग 3/4 प्लेट आएंगी, उससे ज़्यादा नहीं आएंगी, क्योंकि मैंने 5 इंच रखा है तो उसके अंदर लगभग 6 प्लेट्स आ जाती हैं। ये देखिए, अब इसकी प्लेट्स इस साइड डाल देंगे। अब ये देखिए, चोली को मैंने अपने इसके जो फैब्रिक था लाइनिंग वाला उस पर रख के जोड़ दिया, पाइपिंग के साइड साइड में मैंने सिलाई लगाई, और लगाने के बाद देखिए गला हमारा बना बनाया ही बन गया। अब यहाँ पर देखिए, अंदर जो थोड़ा थोड़ा कपड़ा बचा है ना, इस पर मैं कट्स लगा के इसको मैं अंदर मोड़ दूँगी। ये बहुत ही आसान तरीका है बनाने का। ये देखिए, इसको मैं ऐसे अंदर मोड़ूँगी, बस पाइपिंग बाहर शो हो जाएगी, और ये देखिए फिनिशिंग वैसी की वैसी ही रही और आसानी से बन गया। अब ये देखिए, मैंने पीछे एक एक प्लेट डाल दी है, साइड प्लेट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप एक प्लेट डाल दीजिए।
अब उसके बाद में क्या करूँगी, यहाँ पर कमर पे हल्का सा कर्व डाल दूँगी, ये यहाँ पर, क्योंकि हमने प्लेट नहीं डाली ना तो कर्व डालना ही पड़ेगा। और फिर हम बीच सेंटर में एक कट लगा लेंगे। अब इसे हम जो घेर है ना हमारा उसके अंदर जोड़ेंगे, क्योंकि प्लेट्स तो हम डाल चुके हैं। तो ये देखिए बीच की एक प्लेट आई है और साइड में दो दो प्लेटें, यानी पांच प्लेट टोटल आई है हमारे पास। तो पांच से छह प्लेटें आ जाती है। अगर आपको छह प्लेट डालनी है, सिक्स डालनी है, तो सिक्स इंच बड़ा रख लीजिए, वैसे मिनिमम इतना ठीक रहता है। बहुत बड़ा घेर हो जाता है ना, फिर फ्रॉक जैसा लगता है। चलिए अब हम इन दोनों को सिल लेते हैं। देखिए सिलने के बाद ये कुछ हमारा इस तरह आया। अभी हम इसे प्रेस की सहायता से इसकी प्लेट्स को सेट कर देंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसके बैक पोर्शन पे। ये हमारे पास इसका बैक पोर्शन है। तो बैक पोर्शन में तो आपको गला बनाना पड़ेगा, क्योंकि पाइपिंग तो लगी हुई थी, वो अंदर मुड़ी हुई थी, वो मैंने निकाल दी, तो उसमें से फिनिशिंग नहीं आती। तो आप क्या करना, इसके ऊपर जैसे सिंपल बनाते हैं ना वैसे बना देना। अब देखिए मैंने इसके ऊपर चोली को रख दिया है। रखने के बाद मैंने अब इसको देखा है कि ये हमारे पास ए शेप में रखना है, तो ये देखिए हमारे पास आराम से आ रहा है, क्योंकि है तो ये उतना ही ना। आगे का पल्ला थोड़ा बड़ा होता है लेकिन पीछे का थोड़ा छोटा होता है, तो उसके हिसाब से हल्की सी शेप आ गई। और उसके अंदर तो 5 इंच एक्स्ट्रा आ गया था फ्रंट के अंदर, तो इसीलिए हमने वहाँ पे प्लेट्स डाल दी। तो ये देखिए पीछे वाले को हमने ए शेप में कट कर लिया। अब करने के बाद हम इसकी जो चोली बनाई है ना, फ्रंट साइड की कंप्लीट चोली है, उससे इसका निशान ले लेंगे। ठीक, एक निशान लेंगे ताकि हम बिल्कुल जब हम साइडें सिलें तो हमारी दोनों चोली बिल्कुल मिल के आए। चलिए हमने कट्स लगा लिया मेन फैब्रिक में भी और लाइनिंग में भी। और अब इसको लगाने का तरीका भी थोड़ा सा डिफरेंस है ना, तो अब बिल्कुल पहले की तरह नहीं लगेगा। अब हमने देखिए कट को पकड़ेंगे और एक चुटकी डाल लेंगे, ये देखिए ऐसे करके, इससे एक लाइन सी बन जाएगी। ये कपड़ा थोड़ा लाइन तो आराम से बन जाती है, चंदेरी का है ना इस कपड़े में। ये देखिए अब हमने एक निशान लगाया। अब निशान लगाने के बाद अब देखिए चोली को हम नीचे की तरफ रखेंगे, ये ऐसे रखेंगे। ठीक है, जो कट लगाया है वहाँ तक ये ऐसे रखेंगे। और रखने के बाद हम इसे यहाँ से सिल देंगे, ये इस जगह से यहाँ तक पूरा सिलेंगे। ठीक है ना, अब ये देखिए सिलने के बाद अब ये हमारा कुछ ऐसे पलट जाएगा। अब ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा सूट काफ़ी हद तक रेडी हो गया है। पीछे की तरफ मैंने चोली तैयार करी और मैंने प्लेटें डाल दी, जैसे सिंपल सूट में डलती है ना, और गले में मैंने प्लेन पट्टी लगा दी है। ठीक है, अब ये देखिए गला हमारा आगे से भी तुरपाई हो जाएगा, पीछे का गला भी बन गया है। काफ़ी हद तक काम कंप्लीट हो गया, बस अब फिटिंग का काम रह गया है, फिटिंग लगाना और स्लीव्स को जोड़ना। तो फिटिंग हमारे को बहुत अच्छे से लगानी, फिटिंगदार। ठीक है, 17.5 पर हम इसकी बस्ट पे फिटिंग लेंगे। ठीक है, लूजिंग आप अपने हिसाब से ले लेना, देख लेना कि आपके बच्चे टाइट पहनते हैं लूज पहनते हैं, तो उस हिसाब से आप फिटिंग ले लेना। तो चलिए अब वेस्ट साइज़ पर हम यहाँ पे 14 का निशान लगाएंगे, तो पूरा 14 ले लेते हैं, 7 सेंटर पॉइंट से इधर, 7 इधर, तो ये हमने ले लिया 14। अब देखिए चोली तक की तो हमारे को मार्किंग मिल गई, लेकिन अब हमें थोड़ा सा नीचे भी जाना है। तो अब नीचे हमें कितना जाना है उसका भी मेज़रमेंट होता है। तो यहाँ पे इस चोली से नीचे हम 2.5 नीचे जाएंगे। ठीक है ना, ये ऐसे रखेंगे और 2.5 नीचे चले जाएंगे। दोनों साइड तो ये 2.5 जो है जितनी हमारी बस्ट साइज़ है उसे 12 से डिवाइड करके आए हैं। ठीक है, तो मेज़रमेंट से बनाते हैं कपड़े, कभी भी गलत नहीं होते। यूँ ही तुक्के मार दो कि दो बढ़ा दिया एक बढ़ा दिया तो फिर दिक्कत आ जाती है। तो यहाँ तक हम सिल लेंगे। ठीक, और फिर उसके बाद हम इसका चाक बनाएंगे। अब देखिए स्लीव्स हमारे पास ये ऐसी की ऐसी निकली है ना, हमने लेस उतारी और बिल्कुल कम्प्लीट इसकी लेंथ को हमें रखना है। तो वैसे ये लेंथ मेरे को तो 20 रखनी थी, लेकिन ये 20 से काफ़ी कम है। तो ये देखिए मैंने अपना इस पर स्लीव्स का ड्राफ्टिंग लगा दिया है। लेंथ से तो कटेगा नहीं, लेकिन थोड़ी सी इसकी शेप तो मुझे करनी ही पड़ेगी। और मैं इसको कटिंग करके अब बिल्कुल जैसे सिंपल सूट में हम स्लीव्स लगाते ना, वैसे हम इसको लगा लेंगे।
तो ये देखिए स्लीव्स लग के रेडी हो गई है, और अब बस सिर्फ हमारे पास जो टिश्यू की लेस इसमें से निकली थी वो लगानी रह गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इसके जो चाक हैं उसका निशान लगा लेंगे और फिर अपनी लेस को लगाएंगे। बहुत आसान तरीके से लग जाएगी, जैसे निकली है वैसे ही लगेगी, ठीक है ना। कुछ चेंज नहीं है उसमें, क्योंकि जो टिश्यू की लेस होती है ना जितनी वो बाहर होती है उससे ज़्यादा वो अंदर दिख रही होती है, तो वो हमारे चाक में फोल्ड हो जाती है। जैसे गोटा लेस होती है वो जो समोसा वाली है उसको लगाने का तरीका थोड़ा अलग होता है, ये टिश्यू की लेस तो बस आप इसको ऐसे ही रख देना और रख के बस लगा देना। अभी दिखाऊंगी मैं आपको लगाने का तरीका भी। तो देखिए पहले मैं दोनों तरफ के चाक के निशान लगा लूँ, क्योंकि हमारा निशान ठीक होगा तो हमें बार बार अपना जो हम इधर साइड में लेस लगाएंगे ना उसे खोलना नहीं पड़ेगा, नहीं तो कहीं एक बार ऊंचा कहीं एक बार नीचा हो जाएगा तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो अब ये हमारे पास है टिश्यू की लेस, तो इसको हम सीधी तरफ रखेंगे। देखो सीधी तरफ मैंने निशान लगा रखा है, ऐसे रखेंगे और इसको हम बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे और लगा के हम इसे ऐसे फोल्ड कर देंगे, ठीक है। अब वो जो पीछे वाला है वो सारा तुरपाई में चला जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हो ना कितनी चौड़ी लेस है, ये लगभग 1.5 की लेस है, तो इतनी हमारी तैयार बन जाएगी। और ये देखिए फ्रेंड्स बन के रेडी हो गया है, और कितना सुंदर लग रहा है। बैक साइड से हमारा सिंपल है, फ्रंट में हमारी प्लेट्स डली हैं, 5 प्लेट्स डली हैं, ठीक है ना। बीच वाली तो बॉक्स प्लेट है और साइड की सिंपल प्लेट है। तो ये देखिए बैक साइड देखिए, ठीक। अब इसकी स्लीव्स देखिए, ठीक है ना। फिनिशिंग हाथों हाथ करते चलेंगे, धागे धोगे सब काट देंगे। स्लीव्स देखो कितनी अच्छी देखने लग रही है ना, तो इसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी आएगी। बैक पोर्शन सब बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए ये देखिए ये जो सिलाई है ना ये हमेशा चोली के ऊपर लगनी चाहिए, ठीक। मतलब कि कपड़ा नीचे को नहीं रहना चाहिए, ना इंटरलॉक डालो, बस चोली की तरफ आप इसकी सिलाई कर दो। और ये देखिए प्लेट्स वगैरह लग के कितना सुंदर लग रहा है, और नीचे का पैनल भी देखो है ना, हल्का सा ये शेप में, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा ये शेप है, बिल्कुल हल्का सा ये शेप है। ये देखिए, और मैं अभी आपको इसका पेंट भी दिखाती हूँ, बहुत सुंदर इसका पेंट बना है और बिल्कुल गर्लिश लुक का। और फ्रेंड्स बिल्कुल आप ऐसे ही अपनी ड्रेस को तैयार कीजिए, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।